गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग दूसरा न्यूमेरिकल पढ़ेंगे। गैल्वेनोमीटर में एनसीईआरटी का प्रॉब्लम है। ये क्वेश्चन कहता है गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 15 ओम है। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो मैंने आपको बताया जी की वैल्यू 15 ओम दे रहा है, ठीक है। उसको हमें कन्वर्ट करना है एमीटर में, ठीक है। और ये फुल डिफ्लेक्शन देता है 4 मिली। मैंने आपको बताया फुल डिफ्लेक्शन के लिए आईजी लगाते हैं, 4 मिली एम्पियर है। और इसको करंट क्या मेजर करना है बच्चों? 6 एम्पियर तक, 0 to 6 एम्पियर तक इसको मेजर, यानी आई जो है इसकी 6 एम्पियर होगी मैक्सिमम। तो अब हम जानते हैं कि इसका फार्मूला जो होता है, देखिए इसमें इसको करने के लिए थ्योरी आप पढ़ेंगे, हमने वीडियो बनाया है कि गैल्वेनोमीटर में हमको जो है पैरेलल में, अगर ये एमीटर की तरह यूज होगा तो सीरीज में लगेगा, सीरीज के लिए इसको जो है पैरेलल में एक रेजिस्टेंस संट जिसको कहते हैं लगाना पड़ेगा। रेजिस्टेंस कह दीजिए, संट कह दीजिए, एक ही बात है, ठीक है। तो इसका फार्मूला जो है हो जाएगा आई जी बराबर एस एस प्लस जी और ब्रैकेट के बाहर आइए, एस क्या है? संट है, एक प्रकार रेजिस्टेंस है, इसको संट कह देते हैं, संटिंग करना कह देते हैं, ठीक है। तो आपको S की वैल्यू ही फाइंड करना है, कहता है कैसे कन्वर्ट करेंगे, कैसे का मतलब S की वैल्यू फाइंड करना है और कुछ नहीं करना है। तो सिंपल है, 4 × 10⁻³, S की वैल्यू हमको फाइंड करना है, S प्लस G की वैल्यू 15 ओम है और करंट हमको 6 एम्पियर मेजर करनी है। देखिए ये मल्टीप्लाई में है इधर, तो डिवाइड हो जाएगा 4 upon 6 × 10⁻³ एस एस प्लस 15, ये वैल्यू उधर चली जाएगी, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4 × 10⁻³ एस प्लस 15 6s, ठीक है। ये अब उधर भेज दीजिए, थोड़ा आसान हो जाएगा, s प्लस 15 इज इक्वल टू 6s अपॉन 4 × 10⁻³। अब ये माइनस 3 ऊपर जाएगा तो 6000 बना देगा इसको ये, और इंटू एस अपॉन 4, 4 से डिवाइड कर दीजिए, 4 × 1 = 4, 4 × 5 = 1500, यानी 1500 एस आ जाएगा। और इधर कितना है बच्चों? एस प्लस 15। तो अब क्या करेंगे, इस एस को उधर ले जाएंगे, 1500 में जो है 1500 एस 1500 एस माइनस एस इज इक्वल टू 15, तो 1500 में निकलोगे 1499 एस इज इक्वल टू 15। एस की वैल्यू हो जाएगी 15 upon 1499 और इसका जो आंसर लगभग आएगा जो है, तो इसको जब डिवाइड करेंगे, देखिए इसको डिवाइड भी कर लेते हैं जरा, तो ये कुछ इस तरह का आएगा। अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये लगभग जो है हमारा आ जाएगा 15 / 1499.01 है ना, 0.01 एम्पियर आएगा, या 10 ओम, 0.01 जो कि हमारे कैलकुलेटर में आ रहा है ओम, तो ऐसे भी लिख सकते हैं। और इसमें जो आंसर में बुक दिया है, मैं दिया 10 मिली एम्पियर, तो वैसे भी लिख सकते हैं क्योंकि आप 0100 करके आ रहा है, 1 2 3 यहां लगा दीजिए डेसिमल प्लेस, तो 10 मिली ओम भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिखा जा सकता है। बहरहाल वहां आंसर तो आपको दिया नहीं होता है, तो आपका जो आंसर होगा वो होगा, खत्म हो गई बात, उसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, ठीक है। तो उम्मीद है बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है। और नेक्स्ट टर्म पे हम लोग नेक्स्ट चीज सीखेंगे। गुड बाय बच्चों।